हे नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर। आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। कल हमारा अकाउंट्स का पेपर है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आज करने जा रहा हूँ, 6 पॉइंटों पे आज मैं बात करूंगा। कल हमारा एग्जाम है उसको लेकर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओटी की, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ये 32 मार्क्स के आने वाले हैं। एक बात आप सभी को मैं बता दूं, जिसने भी बिजनेस स्टडीज का पेपर दिया था, 28 को था, है ना, 28 को जो पेपर था, उसमें यदि आप मेरी सिर्फ पीडीएफ से, जी हाँ, आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि मेरे बोलने पे विश्वास नहीं, आप खुद चेक कर लो, ठीक है। आप यदि चेक करेंगे तो मेरी पीडीएफ से, यदि जिसने भी पीडीएफ अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, तो वो पूरे 32 ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कर पाया होगा, 32 ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कर पाया होगा। पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 32 ऑब्जेक्टिव ही फंसे थे। मेरा कहना है कि 32 नंबर का अटेम्प्ट कर पाया होगा। क्यों? क्योंकि रिलेटेड थे। यदि आप मेरी ऑब्जेक्टिव से पढ़ के जाते पीडीएफ से, या फिर वीडियो देखकर जाते, है ना, पीडीएफ वाली, तो 20+ ऑब्जेक्टिव फंसे थे एग्जाम्स में, ठीक है। आप फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स चेक करेंगे तो 7 में से 6 फिलअप आई थिंक, और ट्रू फॉल्स 7 में से 4 या 5 ट्रू फॉल्स फंसे थे। तो एज इट इज बात करूं, मतलब जैसा का जैसा फिलअप है, वैसा का वैसा फिलअप आपके बिजनेस स्टडीज में आया था, वो ऐसे कितने नंबर का आया था, तो 13 नंबर का एज इट इज क्वेश्चन आए थे। एज इट इज मतलब वही की वही जो पीडीएफ में लाइन है वही पेपर में आई थी। बाकी 20+ ऑब्जेक्टिव टोटल मिला के, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो ट्रू फॉल्स में दिए हैं, वो आ गए मैच द फॉलोइंग में, ठीक है ना। कुछ ओटी ऐसी थी जो चूज द करेक्ट में दिए पर वो फिलअप में दे दी उन्होंने। तो ऐसे करके 20+ पीडीएफ से फंसे थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप पीडीएफ जरूर पढ़ करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि अकाउंट्स में पूरी ऑब्जेक्टिव मेरी ही मैंने जो पीडीएफ बनाई है उसी से फंस जाएगी, पर मैं आपसे कहना है मेरा कि ये पीडीएफ आप पढ़कर जरूर जाएं। जो पीडीएफ नहीं खरीद सकता वो वीडियो देख ले, ठीक है। वीडियो मैंने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, सभी जगह लगा दूंगा ये वीडियो अपलोड होने के बाद। जो भी पीडीएफ खरीदना चाहता है, जिसने अभी तक पीडीएफ नहीं खरीदी है, वो 5 रुपीज की पीडीएफ है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, कॉन्टेंट इंग्लिश में है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूं और मैंने अपनी राइटिंग में ही लिखा है, तो इसलिए इंग्लिश में ही कंटेंट है, हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने बता दी, ये आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। 5 रुपीज की एक पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। आगे बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। मैंने आपको 28 तारीख को एक वीडियो बनाया था जिसमें पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है ना, ऑब्वियसली। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आपको, तो उस पर वीडियो बनाया था। 50 करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं शायद मैंने, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है ना। और आपने आई थिंक अभी तक कर लिए होंगे, जिसने भी नहीं करे हैं वो कर ले, और आज से रिवीजन स्टार्ट कर दे उनका। आज पूरे दिन हमको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ एक बात बोलना चाहूंगा मैं, कि मैं इनके साथ एक लेक्चर्स भी दे रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है ना, इन्हीं के लेक्चर दे रहा हूं। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाए हैं, आप भी जानते हैं कि जो भी मैं चीज समझाता हूं वो बहुत ही डिटेल में समझाता हूं, जिससे आप वहां पर इजीली लिख पाए। तो आप चाहें तो वो लेक्चर्स देख सकते हैं, वो भी मैं आज के दिन हर घंटे में एक लेक्चर देता रहूंगा, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, हर घंटे में मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे। ये वीडियो हमारा 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर बात करते हैं सुबह, है ना। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, है ना। सबसे ज्यादा आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में थ्योरी देखने को मिलेगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओटी एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपीरियंस के मुताबिक, ब्लूप्रिंट के मुताबिक, प्रीवियस पेपर के मुताबिक, थोड़ा बहुत जानने के मुताबिक बताया जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर में मुझे लगता है कि आपकी 80%, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे दो नंबर के, तो इसमें से 8 क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 2 नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना मुश्किल होते हैं, और ऐसे बहुत सारे
क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन आपके दो नंबर में ज्यादा रहेंगे। तो आपको क्या करना है, दो नंबर में आपको मीनिंग ज्यादा करना है ना। किसी भी टॉपिक की मीनिंग जरूर पढ़ो, कोई भी चैप्टर खोल रहे हो मीनिंग जरूर पढ़ो। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप का मीनिंग हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया, कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रेड गुडविल, ये गुडविल हो गई, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। ये तो मतलब हर एक चीज की मीनिंग जरूर पकड़ना है आपको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सारी चीजों की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। बस थोड़ा सा आपको लिखना आना चाहिए बस। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, मैं आपको हर घंटे में आज लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, बस शर्त ये है कि आपको वो देखना है। एक बात और कहना चाहूंगा इसी के साथ साथ, यदि इस चैनल से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी गलत बात है। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि सब्सक्राइब ना करना ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। पर मुझे लगता है कि यदि आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है मेरी वीडियोस से, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चार नंबर की क्वेश्चन की। इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि चार नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें एक क्वेश्चन पूरे पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें और में भी ऊपर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा और नीचे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। ऐसा एक क्वेश्चन पूरे पेपर में आएगा, जरूर से आएगा, याद रखना। तो उस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आपको उसको अटेम्प्ट जरूर करके आना है। हाँ, जहां तक मेरी बात है, आपको अटेम्प्ट 100% ही करना है, क्योंकि इस टारगेट से आपको विचलित नहीं होना है, इससे इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। 100% ही अटेम्प्ट पेपर को करके आना है, क्योंकि यही हमारी प्रायोरिटी रही है जब से कि हमारे एग्जाम शुरू हुए हैं, ठीक है। तो चार नंबर के क्वेश्चन में आपको, वैसे तो आपको एक क्वेश्चन थ्योरी का मिलेगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का मिलेगा, पर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें दोनों तरफ न्यूमेरिकल रहेगा, तो आप उसको छोड़ना मत, अटेम्प्ट जरूर से करके आना। उसमें जो जो भी स्टेटमेंट बनानी हो, जो भी अकाउंट बनाना हो, उसको बनाकर जरूर से आना। एक बात और बोलना चाहूंगा चार नंबर के क्वेश्चन में, मैं आपने एक चीज देखी होगी, आप मान के चलो आपने एक कैपिटल, वो एक चैप्टर पढ़ा शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल का आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है। अब आप उसमें से कम क्वेश्चन पढ़ के गए, मान के चलो मैंने तो आपको दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर आप मेरे भी आधे क्वेश्चन पढ़ के गए, है ना। अब मान के चलिए शेयर कैपिटल के चैप्टर से चार नंबर में एक क्वेश्चन आया, ऊपर न्यूमेरिकल दिया है, नीचे ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बारे में पूछा है, ठीक है। अब मान के चलो आप ये पढ़ के ही नहीं गए, न्यूमेरिकल आप करके नहीं गए, ये आप पढ़ के नहीं गए, तो ऐसे में आप फंस गए। फंस गए कि नहीं। अभी बिजनेस स्टडीज के पेपर में क्या होता था, ऊपर भी थ्योरी आती थी और में नीचे भी थ्योरी आती थी ना। अब मान के चलिए वो बच्चा जिसने न्यूमेरिकल नहीं किया, तो बनता है ना कि थ्योरी पूरी करनी चाहिए, लगता है ना ऐसा, और करना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप एज ले पाओगे, तभी तो आप लीड ले पाओगे अकाउंट के पेपर में, नहीं तो आप फंस जाओगे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिसकी भी न्यूमेरिकल पर पकड़ अच्छी है वो थ्योरी जरूर पढ़े, पर जिसकी न्यूमेरिकल पर पकड़ नहीं है तो वो थ्योरी बहुत ही अच्छे से करे। समझ में आ रही मेरी बात, एक बार और रिपीट कर दूं, जिसकी न्यूमेरिकल पर पकड़ अच्छी है वो थ्योरी जरूर पढ़े, क्योंकि थ्योरी देखने को मिलेगी आपको अकाउंट्स में, पर जिसकी न्यूमेरिकल पर पकड़ अच्छी नहीं है वो थ्योरी बहुत अच्छे से करे। क्लियर हो गई मेरी बात ये वाली, है ना, चलो आगे बढ़े। हाँ, अब बात करते हैं तीन नंबर के क्वेश्चन की। यहां पे मैंने बात कर ली चार नंबर के क्वेश्चन में, है ना। मैंने क्या बात की, मैंने बात की कि आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा, पर आपको थ्योरी ज्यादा से ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, इस कारण से, क्योंकि यदि न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो उस कंडीशन में यदि आप थ्योरी लेके आओगे तो एटलीस्ट नंबर तो मिलेंगे आपको। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। यदि आपको थ्योरी में दिक्कत आ रही है तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब बात करते हैं तीन नंबर के क्वेश्चंस की। तीन नंबर के क्वेश्चन में भी आपको यही देखने को मिलेगा, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल, तो वही कंडीशन है जो लेक्चर्स में थी, वही कंडीशन है जो चार नंबर के क्वेश्चन में थी, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तीन चार नंबर वाले क्वेश्चन में। मैंने टू नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बता ही दिया, ओटी के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, लास्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। अब सवाल उठता है, एक बच्चा वो है जो अकाउंट्स की कोचिंग जाता है, जिसने सारे न्यूमेरिकल कर रखे हैं, ठीक है, बढ़िया से उसको सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, पर मैं उसको ये सलाह दूंगा, वो बच्चा जिसको न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है,
उसको मैं सलाह दूंगा कि वो थ्योरी की मीनिंग मीनिंग जरूर पढ़कर जाए, भले उसके पेपर में उसको वो पेपर में क्या करने वाला हो, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने वाला हो, पर फिर भी उसको ये सलाह दूंगा कि वो थ्योरी जरूर से मीनिंग मीनिंग जरूर पढ़कर जाए, ठीक है ना, जिससे कि दो नंबर के क्वेश्चन को वो अच्छे से कर पाए। अब वो बच्चा जिसने बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं करा है, पूरे साल भर नहीं किया है, या फिर थोड़ा बहुत उसको न्यूमेरिकल आता है, ज्यादा उसने प्रैक्टिस नहीं की है न्यूमेरिकल की, तो वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़े, क्योंकि आज के दिन में आप सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके गलती कर देगा ये वाला स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको तो मीनिंग पढ़ना है, मैंने बता दिया इसके बारे में, इसके बारे में आपको थ्योरी अच्छे से करना चाहिए। उसने जिसने न्यूमेरिकल कम किए हैं, हर चैप्टर के नहीं किए हैं, कम किए हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं किए हैं, तो उसको थ्योरी आज पूरे दिन रिवाइज करना चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपने हर एक चीज को समझा होगा आज के इस वीडियो में, है ना, आपने थोड़ा बहुत नोट्स भी बना लिया होगा, समझ भी गए होगे सारी आप चीजों को, थैंक यू सो मच। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। कल बात करेंगे हम सभी को, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं आज पूरे दिन आपको वीडियोस भेजता रहूंगा, और अब आप बस रुकना मत, प्रिपरेशन को एक ऑन मोड पर रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना, थैंक यू।